अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूँ फरा रफीक। आज हम बनाने लगे हैं दाल मसूर दाल। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन के अंदर ये हाफ कप मैंने ऑयल, 2 अनियन कट करके डाल दिए हैं और अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट ऐड करूँगी और अच्छे से फ्राई करूँगी अनियन के अंदर उसको, और 1 टमाटो कट करके ऐड करूँगी और अच्छे से इन लोग को फ्राई कर लूँगी ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए। तो ये दाल जो है इंडियन स्टाइल की तरह बनती है, जैसे इंडिया में खाने होते हैं उस टाइप के। मैंने अपनी सास से सीखी थी, वो इंडियन है मेरी सास। और इसके अंदर एक जो मसाला है गरम, वो मैं इंडियन मसाला ही ऐड करती हूँ। अभी अच्छे से हम फ्राई करते रहेंगे। फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेस्पून लाल पिसी हुई मिर्च, 2 टेबल स्पून सूखा धनिया ऐड करेंगे। और ये है हमारा पत्थर फूल। आप देखिएगा पत्थर फूल की खुशबू इतनी अच्छी होती है, आपको यहाँ पंसार की दुकान से भी ये मिल जाएगा इजीली। ये ज़्यादा हमारा तो इंडिया से आता है, मम्मी की बहनें लाती हैं। और सारे मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और 2 गिलास इसमें मैं पानी ऐड करके लाल मसूर दाल ऐड कर दूँगी और फ्लेम जो चूल्हा है उसकी आँच तेज़ कर दूँगी ताकि दाल में हमारी फूल आ जाए, उबाल आ जाए। फिर उसको मैं ढक के रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। अब हमारी दाल रेडी है, दाल एंड चावल। आप खा के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बाय।